छोटी से, जरा थोड़ा सा साथ दे माइक। ये शेर मैंने लिखा है, सुकून कल्ब है वो नूरे ऐन लिख देना, जो उनके नाम से मिलता है चैन लिख देना, मेरे वजूद का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे वजूद का मिट्टी भी एहतराम करे, मेरे कफन पे गुलाम हुसैन लिख देना, 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 मेरे कफन पे गुलाम हुसैन लिख देना। ये मुनव्वर आना है, हमेशा जिंदगी में सिर्फ गजल लिखी, मगर कर ये शहादत का शेर सुनिए मुनव्वर आना का। हमारे जिस्म के अंदर की झील सूख गई, हमारे जिस्म के अंदर की झील सूख गई, इसीलिए तो वह आंसू भी कम निकलते हैं। हमारे जिस्म के अंदर की झील सूख गई, इसीलिए तो वह आंसू भी कम निकलते हैं। ये करबला की जमी है इसे सलाम करो, यहाँ जमीन से पत्थर भी नम निकलते हैं। पैंसठ साल का शागिर्द है मेरे, 60 साल के मुस्तकिम संजीरी, 70 साल के भी शागिर्द है मेरे, और मेरी बीवी को अम्मी कहते हैं, क्या करें। देखिए उनका मतलब सुनिए, काबा हुसैन का मैंने देखी शौजाए करबला की, इसलिए मैंने यहां के लोगों के लिए ये शेर कहा है। लखते लखते जिगर अली के वो जहरा के चैन का, बाबू भाई मकसूद भाई बस दुआओं से नवाज दें इस शेर को सुन के। लगते जिगर अली के वो, लगते जिगर अली के वो हुसैन के सबके में, अहले बैत के सबके में,
اتنی خوب ترقی عطا فرمائے, روزی عطا فرمائے. قسم خدا کی شیر ہوا ہے, دشمن ہاں یہ مرضی تو خدا کی تھی ورنہ اے سنجری, یہ مرضی تو خدا کی تھی. وسلم سجدے میں ہیں, امام حسین پشت پر بیٹھ گئے, اب اٹھنا گوارا نہیں, کہیں میرا نوازا گر نہ جائے. آپ نے سجدے کو طویل کیا, 72 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ پڑھا, اس میں بھی راز تھا. اور جب اٹھے, اپنے نوازے کو چوما اور اپنے پشت مبارک پر سرکار نے امام حسین کو بٹھایا اور جا رہے ہیں تو سارے فرشتوں نے کیا کہا, رحمت برس رہی ہے اور نور چھا رہا ہے, راہوں میں ہر فرشتہ پلکیں بچھا رہا ہے, شبیر دوش پر ہے جبریل کہہ رہے ہیں, یہ شبیر دوش پر ہے جبریل کہہ رہے ہیں, کاندھے پہ مصطفیٰ کے اسلام جا رہا ہے. تمام معاشقان حسین سے توجہ, ہوتی ہے اور ہوگی نمازیں ادا مگر, ہوتی ہے اور ہوگی نمازیں ادا مگر, دنیا دنیا میں بے مثال ہے سجدہ حسین, جب جا رہا تھا تو جیسے موبائل چلایا تو ایک ایڈ آیا اس میں, اور وہ پورا واقعہ میں نے سنا, تو اس کو میں نے کوشش کی ہے دو شعروں میں ڈھالنے کی, اور کافیہ دیکھیے گا. دیکھا کہ جب حسین کو پانی نہیں ملا, سچا واقعہ, دیکھا کہ جب حسین کو پانی نہیں ملا, کربل کربل میں پیاسا رہ گیا گھوڑا حسین, اوہ oh.
देखो भाई एक शेर मुझसे हुआ है और हो सकता है शेर की बदौलत हमारी बख्शिश हो जाए, क्योंकि शेर ही ऐसा हुआ है। तो मुझे चाहूंगा वो शेर है बेटा, महशर में हम गुलामों के बख्शिश की है सनद सर्टिफिकेट, क्या क्या सनद है, महशर में हम गुलामों के बख्शिश की है सनद, महशर में हम गुलामों के बख्शिश की है सनद, वजू करना नहीं जानता था, गलत सलत वजू कर रहा था, इमाम हुसैन वजू कर रहे थे, आपने नहीं कहा कि तू गलत वजू कर रहा है, बल्कि आपने वजू बना के दिखा दिया कि ऐसे वजू होता है। इमाम हुसैन आली मकाम का मर्तबा एक शेर हुआ है, जब प्यासे इमाम हुसैन करबला में जब आए तो सरकार ने अपनी जुबान मुबारक इमाम हुसैन के मुंह में डाली और इमाम हुसैन ने उसे चूस लिया। देखिए शेर देखिएगा ना, जो स्टेज पर बैठे फनकार उनसे तवज्जो, नाना के ये लवाबे दहन का कमाल है, मकता पढ़ूंगा तवज्जो चाहूंगा। प्यासे ही रह गए मगर बैयत ना की कबूल, प्यासे ही रह गए मगर बैयत ना की कबूल, इसलिए जिक्र आज भी दरिया हुसैन मक्ता सुनिए। साला गाते हुए बहुत बड़ी थकावट है वरना और मूड था। मक्ता सुनिए, सिर्फ मक्ता भेजा है नसीम भाई ने, हमको डरा न पाएंगे ये हादसे नसीब। नौजवानों से तवज्जो, एक लम्हे की खुशी को भी तरस जाओगे, शहर में रहते हुए अजनबी कहलाओगे, मौत से आंख मिलाने का हुनर रखते हैं हम, हुसैन वालों को छेड़ोगे तो पछताओगे बेशक।